ये अंदर भी ओड़े बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, स्टार्टिंग तो बहुत पहले हो रही थी। और वो संदूक पर फूट जाएगा, अब आज हमें कट कट आ रही होगी, ये सारी आवाज ओड़न की आवाज है। भगवान ना चाहे गाड़ी को नुकसान हो गए, नोड़ होती कुछ भी नोड़ होती है। अब हम मिलेंगे आपको थोड़ी आगे जाके जहाँ हमारे और पर्सन वेट कर रहे हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, और हम जब भी कभी घूमने जाते हैं तो इसी पे डलवाते हैं हम डीजल। दोस्तों मैं अभी सोके उठा हूँ, आंखें देखो सोके कैसे हो चुके, लाल हो चुके बिल्कुल, और आंखें सोके नम हो गई है, नम हो गई है। फिलहाल कहाँ पहुँच गए हम ब्रो? हम चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं, और वहाँ पर जो है अपना वासु ब्रो वहाँ पर वेट कर रहा है, सो रहा है वासु ब्रो दो घंटे से वहाँ पर। तो वासु को मिलेंगे हम अभी दो घंटे बाद, और फिर वासु की हालत दिखाएंगे आपको कि वासु किस सिचुएशन में लौटा हुआ वहाँ पे। दोस्तों क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो लेना है यही ना, डोले जा डोले जा डोले जा, सोए जा बेटा सोए जा। वर्ष भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? जैसे आप कितने से वेट कर रहे हो? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। आप कब से वेट कर रहे हो यहाँ पे? मैं भाई पूरे एक बजे से वेट कर रहा हूँ, घर से मैं 8 बजे निकल गया था, 1 बजे बस में चंडीगढ़ उतारा, जब से भटक रहा हूँ भाई। अब क्या टाइम हो रहा? अब हो रहे हैं भाई 6 बजने वाले हैं। तो दोस्तों इसे कह देते हैं दोस्ती की मिसाल। वासु भाई को लेसी में गाड़ी ले लिया, और दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हो रहा है काफी, देखो पूरा पूरा फॉग जम चुका है शीशों पे, ठंड बहुत तगड़ी हो रही है। और यहाँ हमारे मेहमान को एक जैकेट ले आया हूँ, दोस्तों देखो पहाड़ पहाड़ दिखने शुरू हो गए भाई बाहर, मौसम काफी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है बहुत जोरदार। बिग फैन, ये बिग फैन है मेरे बहन दोस्तों को, जो हमने परोमटे खाए थोड़े से दिखाए थे, हमने तो परोमटे परोमटे खास अच्छे नए। तो वहाँ के बाद हम यहाँ रुके आके, और यहाँ पर मामा जी आ चुके हैं अपने परम प्रिय मामा जी। तो मामा जी कैसा फील हो रहा है आपको, मौसम कैसा लग रहा है, आगे जाके बर्फ मिलेगी नहीं मिलेगी हमको? स्नोफॉल मिलेगी, स्नोफॉल। यहाँ रुक गए आके, अब यहाँ खाएंगे पनीर मटर मसाला, आगे जाके बर्फ देखेंगे, स्नोफॉल कहाँ पर तो मिली जाए ना, तो कह रहे कौन स्नोफॉल की मेरी साथ आज तक हमें मिली जाए। तो जी अब हुक्का वक्का से लगाएंगे, और अपना ये जो है मामा जी उसको कहना चाहेंगे, मार्केट में ये अपने भाई लोग जो है, ये अपने भाई लोग हुक्का सिलका रहे हैं, कर रहे हैं भाई लोग, काफी अच्छा व्यू है इधर दोस्तों। ये देखो पीछे पहाड़ी पे जो है बर्फ जमी पड़ी है दोस्तों, काफी अच्छी बर्फ है, व्हाइट व्हाइट बर्फ पड़ी हुई यहाँ पे। और ये ग्राम पंचायत पचलान है, निपुण भाई को पहली बार बर्फ मिली है, और बर्फ के साथ खेल रहे हैं अपने सारे भाई। हमारी गाड़ी आगे जा चुकी है, अब बर्फ में काफी अच्छी क्वालिटी आ रही है, और मुंह में से वो भी आ रही, स्नो भी निकल रही है। ओह माय गॉड, सीसा लगा लिया भाई, नहीं मने की बात, अब ना खोलेंगे भाई, ना खोलेंगे, अब ना खोलेंगे, रिपटने के काफी ज्यादा चांसेस है। अभी और है भाई, बर्फ भाई को बर्फ दो भाई लोगों, काफी अच्छा माहौल है, काफी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई इधर देखो। जा रहे हैं अटल टनल के पास भाई, इधर डरा डर लगा वहाँ के सब मौत लग गई। दोस्तों काफी इंजॉय आ चुका बर्फ में, हमारे हाथ बहुत गीले हो चुके हैं दोस्तों, और हमारी गाड़ियाँ भी बहुत पीछे है, और हम बहुत आगे आ चुके हैं, और हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। भाई यार भाई भट्टा ले लिया, देखो तहस नहस कर देंगे भट्टे को, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, जो ये बारिश है ना, ये बारिश सब स्नोफॉल का रूप लेके आगे जाके। तो भाई जी आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों काफी इंजॉय लग रहा है बर्फ में, आगे पीछे बर्फ ही बर्फ है, और ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, बर्फ बर्फ के देखो नजारे देखो दोस्तों। फ्रिज में नहीं देखी दोस्तों, यहाँ से बर्फ लेके जाऊंगा अपने फ्रिज में डालूंगा।
दोस्तों हम आ चुके हैं अटल टनल के पार और देखो ये आपको स्नोफॉल नजर आ रही। पहली बार जिंदगी में स्नोफॉल का मजा लिया दोस्तों। और हम यहाँ से जो है बटन निठ निठ ही लिख रहे हैं वहाँ से। देखो स्नोफॉल हो रही है, अच्छी है ना, क्या क्वालिटी आ रही है ना, स्नोफॉल फील करो हल्के बढ़ती आ रही है। अब स्नोफॉल में चलेंगे, 3 किलोमीटर आ चुके हैं। राम राम जी। राम राम जी, क्या हाल चाल है जी। बहुत मजा आ रही है जीवन, मैं लोग कह रहे सफल हो गए कतई देखिए। तो फाइनल हम पहुंच गए हैं शिशु में और यहाँ कुछ पहलवान की कुश्ती की जुगाड़ हो गया है। दुनिया तो कह रहा है अखाड़े में वैसे मट्टी में, यहाँ बर्फ में होएगी कुश्ती। ये अटल टनल के पार हम आ चुके हैं, यहाँ हम डंड मारेंगे दोस्तों। देखो देखो भाई देखो, कंटिन्यू बने रहिए। कितनी मारे को 100। हाथ ठंडे हो गए, बाकी 100 पूरे कर देते। ये सब बेकूफ हो रहे, जाड़ा बहुत बिकट है। बस वाने की कोशिश कर रहा हूँ। निपुन भाई को काफी एंजॉय आ रहा, देखो भाई बहुत तगड़ा मजा आ रहा है, माँ की कसम जीवन को। बर्फ जो है 10-10 फुट बर्फ चली पड़ी है। सामने भी देखो आप, क्या जो बर्फ के नजारे दिख रहे हैं आपको सामने, बहुत अच्छी क्वालिटी का मजा आ रहा है। समझ गया, बर्फ ही बर्फ है। ओ भाई जब ठंड मारा देख कहा कर दिया गाड़ी के ऊपर, पूरे सारा यूं जो पानी सब बर्फ जमी पड़ी है पूरे पूरे पे। ऐसे मन कर रहा है हम जाकर बढ़ जाऊं, पर नो बड़ा जाग दोस्तों। अटल टनल तो बाहर निकले, बाबा जब हल्का से एंजॉय करो और डंड वंड मारी अपने, एक आधे फोटो खिंचवाए। वहां तो हम आगे पहुंच गए, कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे। अब कितने किलोमीटर आगे पड़े भाई? 20 20 किलोमीटर आगे शिशु पड़ेगा। मेरे आदरणीय सम्मान्य, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे छोटे बड़े बड़े छोटे सज्जनों, मित्रों, आप सबके प्यार और स्नेह से हम बहुत सक्सेसफुल यहाँ पहुँच चुके हैं। आगे मेरे हिसाब से 2 हरफ प्रधान जी धरेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, हमें माफ कर दीजिए, हम शिशु में आ गए हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, इंजॉय के लिए माफी चाहते भाइयों। अब देखो प्रधान जी चाहिए तो भाइयों इंस्टाग्राम पर गाली गलौज कर देते, इसके लिए माफ करना, ये बच्चा नादान है। किसी को एंजॉय चाहिए भाइयों तो हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं बच्चा हूँ आपको, कोई दिक्कत ना, बालक समझ में। सेलो टीम सब तो छोटे ही है। तो भाइयों हमें माफ कर दीजिए, हम घूमने के लिए आ गए, आपको मैंने बताए। नंदू भाई के हाथ में फोन है, भारी हो रही है आज का जिटर रहा, हमें दे दे किसी का। तो दोस्तों इस बर्फ का नाम है रूबी कॉर्न बर्फ। मैं बर्फ आपके साथ दे रहा हूँ, इसको लेके चलो। आओ 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 हकीकत में, हकीकत नंदी भाई पकड़ में जाएगा। तो दोस्तों सुक्की भाई के बर्फ लग सकती है, लग सकती है तो लगा लगा ही दे। मार 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 कुछ ना कुछ मार मार दे 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 दे। दोस्तों स्नोफॉल बहुत तगड़ी पड़ रही है, मोटी मोटी होने देख देख देख, ये अगले 2 दिन ऐसे ही पड़ती रहेगी। गाड़ी पे यह स्नो पड़ रही है, देखिए अब तुम फील करो, देखिए फील देख देखिए भाई, ये गाड़ी देखो हमारी कितनी ढक चुकी है। ये इनकी अलग ही क्वालिटी है ना। हम सब सब उठ के आगे हैं, आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, ना तो हम इधर जा सकते हैं ना हम इधर जा सकते हैं। अच्छा। हम बीच में फंस चुके हैं, अब हमें ये नहीं पता कैसे जाएंगे। देखो देखो स्नोफॉल हो रही है, देखो भाई बहुत ज्यादा ठंडी है, भाई बहुत ज्यादा ठंडी। खड़ो 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 जी, खड़ो 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 खड़ो। ऐसी स्नोफॉल पड़ रही बाहर, ठंड का मारा सुबह तब तक बहुत स्नोफॉल हो चुकी है। और हमारे यहाँ से फिलहाल जो है निकलने के चांसेस जो है 2 बजे के बाद पता लगेगी, कि जब सारा रोड साफ हो जाएगा उसके बाद हम जो है निकल पाएंगे। भाई क्या क्या बात होगी, किस बैठे हो भाई? पक लिए, इसमें पैर जो है पूरे पूरे बढ़ रहे हैं दोस्तों, वो कितना चौंधा लग रहा हूँ अपनी कसम। और रोड साफ हुई है थोड़ी बहुत, जो भी जैसे भी हुई है। तो एक गाड़ी आग निकल गई और एक गाड़ी में हम बैठे पीछे, मेयर मोमो सबसे पिछली सीट पे बैठी एंजॉय कर रही है दोस्तों। और कुछ ऐसा हिसाब किताब हो रहा है, बीआरओ वाले ने पीछे तो साफ कर दिया, यहाँ तो ना करो, हमें तो चल रही है। देखो सस्ते दिल कट जाएंगे। अटल टनल पार कर चुके हम और यहाँ जो है बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, बुरा हाल चाल, बुरा हिसाब किताब हो रहा है दोस्तों। बहुत बुरी हालत हो चुकी है इधर, गाड़ियां सारी फंसी पड़ी है, हमारी फंसी पड़ी है, हमारी ये फंसी पड़ी है, सारी ही फंसी पड़ी है गाड़ी इधर। तो मनाली में हमारी सुबह हो चुकी है, अब यहाँ से हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। होटल में हम पहले भी आए थे और अब भी इसी में रुके जा रहे हैं। बाबू जी ये किसने फोड़ दिया इसकी एक आंख, पहले नहा लो फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना। अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जाकर सोएंगे तसल्ली पूर्वक, पूरा मजा आएगा, पूरा फुल मजा आएगा। चलो चलो।